छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्रता परीक्षा के आयोजन के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। जी हां साथियों, छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, विषय यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा अर्थात सीजी से 2024 के आयोजन के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। ज्ञात हो साथियों कि छत्तीसगढ़ में 2100 से भी अधिक पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होना है और इसके लिए पात्रता परीक्षा के संबंध में ये विज्ञप्ति जारी हुआ है। संक्षिप्त विज्ञापन के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के संबंध में बात कही गई है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत देख पा रहे होंगे सीजी सेट 2024 में लिया जाना है और ये जो सीजी सेट है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के अर्थात व्यापम के माध्यम से ये जो है पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए cgstate.gov.in अर्थात सीजी व्यापम के साइट में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। साथियों, आवेदन पत्र शुरू होने की तिथि, अंतिम तिथि, तमाम डिटेल की मैं बात करने जा रहा हूँ। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देख पा रहे हैंगे उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क के संबंध में राज्य शासन के प्राप्त पत्र के आधार पर दिनांक 8 अप्रैल 2022 को शुल्क नहीं लिया जाएगा अर्थात निःशुल्क है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 9 जून 2024 है। जी हां, 9 जून 2024 दिन रविवार को निर्धारित की गई है और 7 जुलाई 2024 दिन रविवार को सीजी से 2024 की परीक्षा ली जाएगी। विस्तृत विज्ञापन आपको सीजी स्टेट देखो सीजी व्यापम के ऑफिशियल साइट में मिलेंगी, आप वहां जाकर देख पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि की मैं बात करूं तो यहां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 13 मई 2024 अर्थात 13 तारीख से आवेदन पत्र भरने की तिथि शुरू होगी, 13 मई को शुरू होगी। आवेदन पत्र भर करके ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे, अंतिम तिथि है 9 जून, उसके बाद परीक्षा के संभावित तिथि 7 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। परीक्षा के समय की बात करूं तो पूर्वान 10 बजे से 11 बजे तक और पेपर वन और पेपर टू के अलग अलग परीक्षा का आयोजन किया जाता है और परीक्षा केंद्र जो है 8 जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र रखा जा सकता है, जैसा कि इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है। किसी भी तरह से शुल्क छत्तीसगढ़ के निवासियों से नहीं लिया जाएगा। यदि आप छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी हैं तो 700 रुपए शुल्क आपसे लिया जाएगा। अच्छा अवसर है, योग्यता की भी मैं यहां पर बात कर लूं साथियों, पात्रता की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको स्नातकोत्तर अर्थात किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अंकों के साथ अर्थात यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर आते हैं तो आपको 55% अर्थात कि अनारक्षित में 55 है और यदि आप आरक्षित कैटेगरी हैं तो आपको 50% अंक होना चाहिए। डिटेल यहाँ पर दिख रहा है, न्यूनतम 50% अंकों को राउंड अप नहीं किया जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ देख पा रहे हैं कम से कम 55%, ठीक है, और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल या निशक्त जन के लिए 50% यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है साथियों। देखिए, उक्त स्नातकोत्तर समकक्ष परीक्षा के परिणाम की तिथि से 1 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। कहने का तात्पर्य है आप जैसे ही सीजी सेट की परीक्षा पास करते हैं और पास करने के 1 साल के अंदर आपको स्नातकोत्तर अर्थात एमए या एमएससी को फाइनल कंप्लीट करना होगा। अर्थात यदि आप प्रथम वर्ष में हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, आप पात्र माने जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको साल भर के अंदर जो है उत्तीर्ण करना होगा। परीक्षा में कितने कितने विषयों पर परीक्षा होगी, देखिए 2 चरण में परीक्षा, 1 प्रथम प्रश्न, 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सभी के लिए है, द्वितीय प्रश्न पत्र 19 विषयों के लिए आयोजित होंगी। आपको दिख रहा है हिंदी, राजनीति विज्ञान, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, कॉमर्स, संस्कृत, लाइब्रेरी साइंस, होम साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, लॉ, साइकोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन जैसे 18 विषयों में आपका
सीजी सेट की परीक्षा लिया जाएगा। यदि आपके पास इनमें से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री है तो आप आवेदन कर पाएंगे। सिलेबस की बात करूं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न दो पेपर होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में 100 अंकों का होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र जो है 50 प्रश्न और 100 अर्थात 150 प्रश्न कुल जो है 300 नंबर का लिया जाएगा। और अच्छा अवसर है, इसमें किसी तरह से माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो साथ ही यदि आप सीजी सेट का पेपर चाहते हैं, बिल्कुल आप सीजी सेट का पेपर दे सकते हैं। पाठ्यक्रम क्या होगा अलग अलग विषयवार, तो इसके लिए आपको सीजी व्यापम के ऑफिशियल साइट पर जाना होगा, वहां पर तमाम जानकारी उपलब्ध रहेंगी। तो जो भी जानकारी आपको चाहिए तो सीजी व्यापम के ऑफिशियल साइट में जाकर आप जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अवसर अच्छा है, सेट यदि आप उत्तीर्ण कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती आ रही हैं, जो कि लगभग 2100 से भी अधिक पद अर्थात 2100 से भी अधिक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होने वाला है। तो जो भी साथी इच्छुक हैं सीजी सेट का परीक्षा देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सीजी सेट का पेपर दे सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही बढ़िया अवसर है। तो मैं पुनः जो है आवेदन की तिथि की बात कर लूं, आवेदन पत्र भरने की तिथि 13 मई से शुरू हो रही है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2024 निर्धारित की गई है। परीक्षा की संभावित तिथि साथियों 7 जुलाई दिन रविवार को किया जा सकता है, एक संभावित तिथि है। और लगभग यही तिथि आप मान के चलिए, क्योंकि व्यापम द्वारा दी गई संभावित तिथि में फेरबदल होने की संभावना बहुत कम रहती है। जिला में सभी जिलों में नहीं होंगी, 8 जिला मुख्यालयों में ही परीक्षा होती है। चूंकि यदि परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा होता है तो व्यापम का निर्णय यदि रहे तो और भी परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। फिर भी अभी फिलहाल इन्हीं 8 जिला मुख्यालयों में परीक्षा का सेंटर रहेगा। तो अवसर अच्छा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, यदि आप इच्छुक हैं बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सीजी सेट के परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। विमल सर को इजाज़त दीजिए, बने रहिए हमारे साथ ताकि किसी भी प्रकार से अपडेट मिलेंगे सबसे पहले हम आप तक साझा करते रहेंगे। जय हिंद।